तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑटो क्लेव कैसे करते हैं। ये हमारे पास हम रेड बैग है, इस पर हमने ये वाइट टेप लगा दी। ये ऑटो क्लेव टेप होती है, इसको हमने टेप को लगा दिया है। ये इंडिकेटर भी है, इसको वीकली टेस्ट करते हैं ऑटो क्लेव प्रॉपरली स्टेलाइज हुआ है नहीं हुआ है इसको, ठीक है। अब इसको हम ऑटो क्लेव में लगाने से पहले हमें ऑटो क्लेव के अंदर पानी चेक करना होता है हमारा। ये ऑटो क्लेव है, इसके अंदर ये पानी है। ये पानी के पानी हम कहाँ से चेक करेंगे? पानी हमारा जो ये यहाँ पे इंडिकेटर है लगा रहता है इसके अंदर ऑटो क्लेव में, यहाँ पे इसके अंदर हम प्रॉपरली चेक करते हैं। रेड निशान लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऑटो क्लेव स्टार्ट करने से पहले पानी ज़रूर चेक करना होता है। इसके बाद जो टब होता है, ये इस टब को हम इसके अंदर रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा बैग होता है, ऐसे ऐसे हम अगर ज़्यादा वेस्ट है हमारे पास में तो 2 से 3 बैग बना सकते हैं, अदरवाइज हम इस बैग को ऐसे इसके अंदर रख देते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे हम इसको 121 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे ना, इसके बाद में हम इसको बंद कर देते हैं अपने ऑटो क्लेव को। यहाँ से प्रॉपरली टाइट होना चाहिए हमारा, यहाँ से अच्छे से लूज नहीं रहना चाहिए। अगर आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा फिर इसमें लूज होगा, तो ये प्रॉपरली टाइट होना चाहिए और ये प्रॉपरली चेक करने आपकी प्रेशर वगैरह सब बंद हो। इसके बाद हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और ये जैसे इसका टेम्परेचर 121 डिग्री पे आएगा ये हमारा ऑटो क्लेव हो जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है 121 डिग्री, ठीक है। 121 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे हमारा 15 PSI होता है ये। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ऑटो क्लेव को, हमारा ये स्टार्ट है और अभी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 121 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा और ये 15 PSI यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा ऑटो क्लेव कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। वो तो कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे प्रिंट भी निकालता रहता है, ये आपका प्रिंट होता है। इस प्रिंट में आपके भाई पूरा टेम्परेचर लिख के आएगा, कितने टाइम में आपका ऑटो क्लेव कंप्लीट हुआ है, कितना प्रेशर था, कितना PSI था। तो ये हमारा ऑटो क्लेव करने का प्रोसेस था, रेड बैग हम कैसे ऑटो क्लेव करते हैं। जो हमारी बैग होता है जिस पर हमने टेप लगाई थी, उस टेप का कलर ऐसा हो जाता ब्लैक ऑटो क्लेव होने के बाद में, ठीक है। तो ये अपने आप में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद हम उस रेड बैग को निकाल लेते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी जो होती है, उस बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी को हम इस बैग को हैंड ओवर कर देते हैं। ये जो वेस्ट होता है ये हमारा 48 आवर्स तक हम रख सकते हैं, इसके बाद हम नहीं रख सकते इसको। तो 48 घंटे के अंदर अंदर हमने बायोमेडिकल वेस्ट को, जो बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी होती है, उसको हमें हैंड ओवर करना होता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप और कुछ जानना चाहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। थैंक यू।